घबराओ ना, ठीक है, घबराओ ना बता दिए, उल्टी होना बता दिए विधि, ठीक है। तो भाई निकल चुके हैं एक बार फिर से नए रूट के लिए। नया रूट नहीं है वैसे भाई, रूट तो पुराना ही है, रूट तो पुराना ही है, बाल बाल बचे आज यहाँ पे, मौत भी हो सकती थी बट कोई बात नहीं, निकल गए एक बार फिर से नए सूझबूझ के साथ। चली जाएगी ना शजू आराम से, मामा तक फ़ोन कर लूँगा ना, या तू मन कर लिए। तो भाई ऐसी ऐसी लोकेशनों से मेरे को निकलना पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं है। चलो चक्कर ही चलते हैं, पहले छोड़ जाते हैं वहाँ पे, छोड़ने के बाद में एक नया पढ़ लेंगे, नया सिस्टम सेट होगा, तो पहले इसको यहाँ से छोड़ के आना पड़ेगा। तो भाई ये बड़ी खतरनाक चीज है, कई कई लोग आए जैसे सोचते हैं कि चलो कैमरा है, कई सोचते हैं कई नहीं सोचते, बट कई लोग जिसको पता है कैमरे के बारे में। ओ भाई लोग बोलते कुछ नहीं है, सर्दी इतनी तेज है आज कि मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही यार। निकल चुके हैं लोकेशन के लिए, तो प्यार से भाई सर्दी है वो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा सर्दी है, ऐसी सर्दी के अंदर तो जीना हराम हो रहा है गाइस मेरा। मैं ऐसे सोचता हूँ ऐसी सर्दी के अंदर कौन जीतता है, कैसे जीतता पता नहीं, सच में यार सिर फटने लग गए ऐसी सर्दी में। तो ऐसी सर्दी में भाई सर फटने लग जाता है, और वही मेरे साथ हो रहा है, मेरा सर फट रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। भाई ये गाड़ी आ रही है तो भागी भागी आ रही है, तो मैं उसको जाने के अनुमति देता हूँ। हम लोग भाई धीरे धीरे भी निकल लेंगे, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर, जितना धीरे चलेंगे उतना ही फायदा है। गाइस कॉलेज के आगे इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है, इन कॉलेज के आगे भी भीड़ होती है, ये आप लोग देख सकते हो काफ़ी देर से ये चीज़ नोटिस की जा रही है कि कॉलेज के आगे भीड़ है, अभी बच्चों की लाइन है कॉलेज के आगे, क्योंकि कॉलेज अभी नहीं चालू है तो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए कॉलेज के अंदर भीड़ है। कई कई खिलाड़ी आ रहे हैं, कई खिलाड़ी जा रहे हैं, ऐसे करके कॉलेज चल रही है, नहीं चल रही कोई बात नहीं,
देखते हैं भाई। क्या बात है भाई, स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर, स्टूडेंट्स इज स्पीकिंग टुगेदर, स्पीकिंग इज स्टूडेंट आर बतलाइंग है ना, जो स्टूडेंट आर बतलाइंग हियर, स्टूडेंट आर बतलाइंग हियर, ओके डन, स्टूडेंट आर बतलाइंग द टीचर्स सो दैट, दो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे चलते चलते काफी दूर से, गाइज सर्दी के अंदर दावा इतना पड़ रहा है ओड नहीं है, इतनी ज्यादा सर्दी, इतनी ज्यादा सर्दी, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, सर्दी 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 सर्दी। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ घूम चक्कर, जहाँ पे आती है मैन बस, ये देख सकते हो पूरा घूम चक्कर का डिपो, यहाँ पे रुकने वाली है गाइस बस, और उसी बस को देख के बाइक को यहाँ खड़ी करें, आगे खड़ी करें, थोड़ा बहुत आगे कर लेते हैं गाइस, देखिए ये लोकेशन भी कोई बुरी नहीं है, अच्छी लोकेशन, यहाँ पे बाइक को खड़ी कर लेते हैं एक बार, जीतो घबराओ ना, ठीक है घबराओ ना, बता दिए उल्टी वाला बता दिए विधि, ठीक है जाऊंगे ना, हाँ मेरे मेरी तो भाई हम लोग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है और ऐसे सर्दी के मौसम में निकलना या सच बता रहा हूँ बाइक चलना भी मुश्किल हो रही है ऐसी सर्दी के अंदर, क्योंकि आज पूरे दिन से धूप भी नहीं लगी मेरे को, तो ऐसी सर्दी मेरे को परेशान करने की कोशिश कर रही है, बट कोई बात नहीं यार चलते हैं, देखो ये आगे आ रहे जानबूझ के आगे आ रहे हैं, तो पता है भाई यहाँ से मार्केट से निकलते हैं इस टाइम पे, यो भाई साहब सांड आ गया आगे, कोई बात नहीं बच्चा एक बार सामने से आ रहे हैं साधन, तो कोई बात नहीं इसको कर लेंगे मैनेज, हम बाइक चलाते चलाते ही देख लेंगे सारी चीज़ों को, बाइक बहुत भयंकर लग रही है यार सच बता रहा हूँ, ऐसी ठंड में बाइक चलाना बहुत मुश्किल सा हो रहा है यार, चला ही नहीं पा रहा बाइक को भाई साहब, हालत खराब है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार,
गलियों से निकल लेते हैं पहले, उसके बाद में देखते हैं ठंड कितनी कम हो पाएगी, कंट्रोल होती है नहीं। ठंड तो कंट्रोल होगी यार, पहले गलियों से छुटकारा पा लेते हैं, इन गलियों से पहले निकल लेते हैं यहाँ से भाई, जल्दी करके निकलेंगे ताकि घर पर जल्दी पहुँच सकें। हालत तो वैसे भी ख़राब हो रही है, तो भाई निकल चुके हैं यहाँ से बाहर की तरफ। हवा भी लग रही है तो हालत खराब हो रही है यार। अच्छा रोज का रास्ता है आने जाने का, पर ऐसी सर्दी के अंदर मैं हो चुका हूँ परेशान। ठंड लग रही है गाइस, मैं गलती, ओ माय गॉड गाइस, बहुत बड़ी गलती कर दी, गाड़ी को लेकर आ गया मैं। तो गाइस यहाँ पे हो चुकी है हालत खराब, निकलने के लिए रखता है नहीं तो उतरना, आप उतरना एक बार। गाइस मैं बाइक लेके फाइनली निकल चुका हूँ यार, मैं सोच रहा था निकला नहीं जाएगा, बट हो गया कुछ ऐसा कि आराम से प्यार से निकल चुके हैं हम रस्ते रस्ते, क्या बात है गाइस, निकल के मैं तो आ गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा भयानक हादसा, मतलब सॉरी गाइस, बहुत ही भीड़ बहुत ख़तरनाक हो रही थी, बट कोई बात नहीं, निकल लिए गाइस हम तो। गाइस तो निकल के चलते हैं, यहाँ पे कुछ खाना खा रहे हैं लोग, बट कोई बात नहीं, लोग खाना खाएंगे, मेरे को भूख लगी है, मैं जाके जिमना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया गाइस, तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं नवलगढ़ से बाहर की तरफ, मार्केट से पूरी सिस्टमेटिक काम करके निकल गया हूँ मैं। ओ माय गॉड, सामने से एक और बस आ रही है, कोई बात नहीं, दोनों बसों के बीच से बीच बच गए गाइस, निकल चुका हूँ फिर से आगे की तरह, चलता जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है गाइस। तो अरे हैपन गाइस, फाइनली निकल चुके हैं, जहाँ पे रोज जाते हैं वो पुचके वाली दुकान भी आ चुकी है, बट इधर से करते हैं टाटा बाय बाय इसको, क्योंकि भूख तो लगी है, बट क्या करें, कोई उपाय नहीं है। तो गाइस निकल चुके हैं घर के लिए, अभी मैं कोई सेव करना नहीं चाहता आपको वीडियो वगैरह, तो यहाँ पे रोक देता हूँ वीडियो, टी शर्ट पर ही आ गई। तो गाइस फाइनली ऐसी सर्दी के अंदर निकल चुके हैं रोड से बाहर की तरफ, और मैं सोच रहा हूँ कि रोड ऐसी रोड क्रॉस करने में मज़ा तो आएगा मेरी जान। साइड हो जा, सुनता नहीं यार, कुछ जानवर है, इसको देखना पड़ेगा बिल्कुल पास से, नज़दीक से आपको दिखाते हैं। ये देखो ये क्या चीज़ है गाइस, ये देखो, ओ भाई क्या था, ओ भाई साहब।